नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। जिद पर अड़ जाए तो रुख मोड़ दे तूफानों का, अभी तेवर ही कहां देखे हैं तिरंगे के दीवानों का। जी हां, जब कोई फौजी सीमा पर जाता है तो कसम खाता है कि दुश्मन की छाती पर तिरंगे को लहराऊंगा या तो फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। अपनी जान हथेली पर रखकर वो दुश्मन को चुनौती देता है और जब वो सैनिक तिरंगे में लिपट कर आता है तो सबकी आंखें नम हो जाती है। पर यह तस्वीर कुछ अलग है। यहाँ एक सैनिक रिटायर होकर आया है तो लोगों ने स्वागत में अपनी हथेलियां बिछा दी और ऐसा स्वागत किया कि सब हैरान रह गए। जी हाँ, ये देशभक्ति की मिसाल पेश करते हुए वीडियो देखिए। इसे शिवराज सिंह ने भी शेयर किया और लिखा वंदे मातरम। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के नीमच का है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि फौजी के वापस आने की खुशी में लोगों ने हथेलियां बिछा दी। उसके स्वागत में जो जान हथेली पर रखकर दुश्मनों को सीधी चुनौती देता है, जिसके ललकार से ही दुश्मन देश के पसीने छूट जाते हैं, आज वो सैनिक जब गांव लौटा तो गांव वालों ने अनोखे अंदाज में स्वागत किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि गांव वाले फौजी के सामने हाथ बिछाकर बैठे हैं। फौजी उनके हाथों पर चलकर मंदिर के अंदर जाता है और गणपति बप्पा के दर्शन करता है। आपको बता दें कि सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात ये जवान 17 साल की सेवा पूरी कर अपने गांव लौटा है और उसका ऐसा स्वागत किया गया जिसकी कल्पना भी उस जवान ने नहीं की होगी। दरअसल नायक विजय बहादुर सिंह अपनी सेवा पूरी कर बुधवार को जैसे ही अपने गांव लौटे तो पूरा गांव उनके स्वागत के लिए तैयार था। जैसे ही विजय अपने गाँव में पहुंचे तो लोगों ने उनके पाँव जमीन पर ही नहीं पड़ने दिए और स्वागत के लिए उन्होंने अपनी हथेलियाँ बिछा दी। इस तरह का स्वागत देख कर विजय बहादुर भी भावुक उठे और अब सोशल मीडिया पर विजय बहादुर के स्वागत का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा, आज मेरे लिए बहुत गर्व का पल है, मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। आज मैं सेना के अंदर 17 साल 26 दिन सेवा करके रिटायर हुआ। जब मैं अपने गांव जीरन में आया तो यहां पर उन्होंने हथेलियों पर मेरे पांव रखवाए और मंदिर के दर्शन करवाए। मैंने पहली बार 3 जनवरी 2004 को आर्मी ज्वाइन की। इस दौरान मैंने कारगिल, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, बटालिक, अरुणाचल, हिमाचल, बाड़मेर, बीकानेर जैसे जगहों पर सर्विस की। मैं आर्मी हेडक्वार्टर शिमला से रिटायर हुआ हूँ। वही रिटायर विजय बहादुर के पिता ने कहा कि उनका सीना आज गर्व से और चौड़ा हो गया और वो चाहते हैं कि सेना में अधिक से अधिक लोग जाएं तथा देश की सेवा करें। उन्होंने कहा, आज जो स्वागत हुआ मेरे बच्चे का, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जीरन गाँव के लिए, जो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। बता दें कि इस गांव में करीब 60 लोग आर्मी में नौकरी करते हैं। अब ये वीडियो वायरल हो रही है। देशभक्ति से ओतप्रोत ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूले। जय हिंद।